वेलकम बच्चों। सो लास्ट टाइम हमने शुरुआत की थी, हमारा टॉपिक पोलराइजेशन ऑफ लाइट, और उसमें हमने छोटे मोटे चीज़ें देखी थी, जिसमें हमने देखा था हमारे पास ऑर्डिनरी लाइट, जिसे हम अनपोलराइज लाइट कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद में जैसे कि अगर मान लीजिए कि उसको हम पर्टिकुलर प्लेन में अगर ओरिएंट करते किसी तरीके से, तो उसको हम कहते पोलराइजेशन, यानी ऑर्डिनरी लाइट का, जिसमें हर तरह के इलेक्ट्रिक वेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें से कुछ वेक्टर को ब्लॉक करके पर्टिकुलर प्लेन में ही किसी वेक्टर को भेजना, ये जो है इसी को ही हम पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहते चुके थे, ठीक है। उसको थोड़ा सा और यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो चलो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो जैसे हमने कहा था कि जो मैक्सवेल है, मैक्सवेल के अनुसार लाइट क्या है, तो लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग द इलेक्ट्रिक वेक्टर्स एंड मैग्नेटिक वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। जैसे एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि ये डायरेक्शन ऑफ क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है। यहाँ पर अगर ये इलेक्ट्रिक वेक्टर है मान लो, ठीक है, इस तरह से ये इलेक्ट्रिक वेक्टर है, तो यहाँ पर दूसरा क्या होगा, ये इस तरह से ये मैग्नेटिक वेक्टर होगा, ठीक है। लेकिन ये भी बात है कि जितनी भी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है वो ज़्यादातर इलेक्ट्रिक वेक्टर्स के कारण है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमारे मैग्नेटिक वेक्टर्स को निग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। सो अब बचे कौन से, इलेक्ट्रिक वेक्टर्स। तो इलेक्ट्रिक वेक्टर्स की भी अगर बात करते हैं, सो आपको मिलेंगे कि इलेक्ट्रिक वेक्टर्स भी क्या होते हैं कि हर डायरेक्शन में होते और एक दूसरे को परपेंडिकुलर। जैसे अगर मान लीजिए कि ये एक इलेक्ट्रिक वेक्टर है, तो दूसरा इलेक्ट्रिक वेक्टर ऐसा होगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक वेक्टर मान लीजिए ऐसा तिरछा है, तो वो दूसरा इसको परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। यानी हर इलेक्ट्रिक वेक्टर दूसरे को परपेंडिकुलर होगा, वो भी ये जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है इसको भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो जैसे अगर दिखाने, और इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, क्या कह रहा हूँ मैं, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, अब दिखाने के लिए मैंने ऐसा बता दिया, ठीक है। तो यानी यहाँ पर क्या होंगे, जी ऐसे है तो ठीक है, ऐसे भी रह सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी रह सकते हैं, ऐसे तिरछे भी रह सकते हैं, ऐसे तिरछे तिरछे तिरछे, हर एक डायरेक्शन में। जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था कि जब आप बाल बनाते हो तो जो कंघी आपके पास होती है थोड़ी सी लकड़ी वाली, जिसको यानी हर तरह से ऐसे दांत होते हैं, ठीक है, तो वो हर तरह से क्या होगा, इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रिक वेक्टर इन ऑल डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन रहने वाले, ठीक है। अब बात करते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक वेक्टर है, दूसरा परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक वेक्टर ऐसा हो गया, और तीसरा ऐसा ले लेते हैं। अब बात करते हैं इसके, ठीक है। तो हमने कभी तो भी वेक्टर पढ़ा हुआ है, याद करिए कि एकादा अगर वेक्टर हमारे पास ऐसा है, सो दिस वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड, ठीक है। दिस वेक्टर, जैसे ये हमारा इलेक्ट्रिक वेक्टर है, दिस वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट्स, जिसके साथ में क्या होता है, थीटा बनता है, वो हमारा क्या होता है, ई कॉस थीटा होगा, ठीक है। और एक उसी को क्या रहता, परपेंडिकुलर इस तरह से हो जाएगा, तो ये हमारा ई साइन थीटा होगा। मतलब दो मिनट के लिए बात करते कि ये जो तिरछा वाला है, ऐसे तिरछे तारछे सब होंगे, जैसे हम एक तरह से एक ऐसा लेते, मान लीजिए कि ये क्या है, खड़े में है, तो दूसरे इसको इस तरह से हो जाएंगे, ठीक है, या फिर इस तरह से होंगे परपेंडिकुलर, बाकी तिरछे तारछे जो भी है, तो जितने भी स्लैंट वाले हैं उनको हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट में बांट सकते हैं। तो मतलब मान लीजिए कि इसको मैं अगर हटा दूँ, तो ये भी आपको इलेक्ट्रिक वेक्टर, ये भी इलेक्ट्रिक वेक्टर, जितने भी है तो सिर्फ दो तरह के इलेक्ट्रिक वेक्टर है, ऐसा हम समझ के चलते। एक तो जो ये प्लेन को क्या है, पैरेलल है, ठीक है, यानी वो ऐसे वर्टिकल इसमें बताए जाने वाले, और दूसरे जो बताएंगे वो इस तरह से, जो इस प्लेन को क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। लेकिन ऐसे हम बता नहीं पाएंगे, क्योंकि ये पोर्शन हमारा हवा में आ जाएगा, अब हवा में बता नहीं पाएंगे। हाँ, अगर 3D होता तो मैं शायद बता भी देता, लेकिन हमारा प्लेन क्या है, वो 2D है, जिसके कारण हम बता नहीं पाएंगे। हाँ, लेकिन एक कंसेप्ट ध्यान में रखो, पोलराइजेशन का एक बड़ा सा कंसेप्ट 3D फिल्म्स या फिर 3D पिक्चर्स वगैरह जो भी है, मूवीज़ वगैरह, एनिमेशन के लिए काम में आता है, ठीक है। जैसे आप ये मूवीज़ देखते हो 3D मूवीज़, तो आप गॉगल्स यूज़ करते हो, ठीक है, तो उसमें पोलराइजेशन का कंसेप्ट आता है, ठीक है, तो वो तो लेटर ऑन देखेंगे हम। तो क्या कह रहा हूँ मैं कि जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक वेक्टर्स इन ऑल डायरेक्शन है, उन सबको हम दो ही इसमें बांट देते, जो भी स्लैंट वाला होगा, ठीक है, उसको एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल इस तरह से, यानी दो कंपोनेंट में बांटेंगे। तो यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए मान लीजिए कि ये हमारे पास में एक पैरेलल वाले है और एक ऐसे परपेंडिकुलर वाले, तो लास्ट टाइम मैंने बताया था, याद करिए, जो एरो से बता रहे हैं वो क्या है, हमारे इलेक्ट्रिक वेक्टर्स पैरेलल टू द प्लेन, ठीक है, और जो मैं डॉट से बताऊँ, इस तरह से डॉट से बताऊँ,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरह से, यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, तो ये दो ही तरह के क्या है हमारे पास में, इलेक्ट्रिक वेक्टर है ऐसा समझो। ठीक है, हो जाएगा। तो फिर अगर आपको किसी ने कहा कि चलो ऑर्डिनरी लाइट को रिप्रेजेंट करो, सिंपल आप बताएंगे ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ठीक है, उसके बाद आप एरो से बताएंगे, एरो वाले जो है वो पैरेलल। ठीक है, अब ऐसे बता सकते हो, और आप बताएंगे यहाँ पे ऐसे बीच में डॉट्स बताएंगे, यानी यहाँ पर एरो वाले क्या रिप्रेजेंट करते हैं, द इलेक्ट्रिक वेक्टर्स पैरेलल टू द प्लेन, एंड डॉट रिप्रेजेंट द परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक वेक्टर, ठीक है, टू द प्लेन। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये ध्यान में रखना है। ठीक, अब ये तो हो गया भाई हमारा ऑर्डिनरी लाइट। ठीक है, इसको हमने क्या नाम दिया था, ऑर्डिनरी और अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट हमने ये नाम दिया था, उसका ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन है, बराबर। ठीक है, अब क्या होता है कि हमको अनपोलराइज्ड लाइट को क्या करना है, पोलराइज्ड बनाना है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक मिनट के लिए मान लीजिए दोस्तों कि हमारे पास में हम देखा जब थिएटर में बैठे हैं और थिएटर में एक एग्जिट है। ठीक है, जैसे एंट्री है, एंट्री को बंद कर दिया, दूसरा एग्जिट है। ठीक है, एग्जिट यानी एक दरवाज़ा। ठीक, दूसरी बात वो इस तरह से है कि उसमें से सिर्फ एक ही व्यक्ति क्या हो सके, पास हो सकते, और वो भी अगर तिरछा तारचा हो जाए तो दरवाजे से निकले नहीं, उसको एकदम सीधा जाना पड़ेगा। ठीक, अब आप सभी लोग थिएटर में बैठे हो और मूवी देख रहे हो, अचानक क्या हो गया, किसी ने कह दिया कि वहाँ पे बॉम्ब है। ठीक है, थिएटर में क्या है, बॉम्ब। तो पूरे जो भी ऑडियंस है उनमें क्या होगा, पूरा हड़कंप मच जाएगा और सब इधर उधर रैंडमली भागना शुरू होंगे। लेकिन लेकिन मेरे दोस्तों, यहाँ पर एग्जिट तो एक है ना, आप कैसे भी कूद के एक दूसरे के ऊपर चढ़ चाढ़ करके ऐसे इधर अंदर के अंदर घूमेंगे, लेकिन जैसे ही एग्जिट के पास आएंगे, एग्जिट के पास भी वहाँ पे धक्का मुक्की मारामारी होंगी, लेकिन निकलते समय सिर्फ ऐसा व्यक्ति, मान लीजिए छोटा सा पैसेज है और सिर्फ ऐसा अगर जाने वाला है, वो ही क्या होगा, बाहर जा सकेगा। ठीक है, सो जब पूरा अंदर कितना भी जमावड़ा हो, लेकिन उस एग्जिट से जाते समय आप सीधे ऐसे ऐसे वाले जो भी तिरछे तारछे होंगे वो वहाँ पे क्या हो जाएंगे, ऐसे वो पैसेज से जा नहीं पाएंगे, रुक जाएंगे। उसी प्रकार बच्चों, जैसे हमारे पास में इलेक्ट्रिक वेक्टर्स है तो सभी प्रकार के, हमने रिप्रेजेंटेशन के लिए पैरेलल और परपेंडिकुलर वाले बताए। ठीक है, लेकिन अब समझो कि जितने भी हर एक डायरेक्शन में जो हमारे इलेक्ट्रिक वेक्टर्स है, अगर मान लीजिए मैं कोई एकादा ऐसा मटेरियल यूज़ करता हूँ, ठीक है, कि जिसमें पर्टिकुलर डायरेक्शन वाले ही इलेक्ट्रिक वेक्टर्स क्या हो, पास हो, ठीक है, और बाकी के टेढ़े ताड़े तिरछे तारछे जो भी है वो ब्लॉक हो जाए, यानी सभी के सभी इलेक्ट्रिक वेक्टर्स नहीं जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने सीधा एक ही व्यक्ति के लिए और वो भी खड़े में ऐसे जा सके ऐसा पैसेज बना दिया, तो वही जा सकेंगे जो भी, यानी ऐसे वाले सीधे सीधे जाएंगे, ऐसे सीधे सीधे जाएंगे, लेकिन जो भी तिरछा हो जाएगा तो वो पैसेज को क्या हो जाएगा, अड़क जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर इस तरह से ये है और यहाँ से ये ऐसा 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 जो सीधा है, मान लीजिए कि वर्टिकल, वो यहाँ से निकल कर सामने चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई तिरछा है तो यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा, वो जा नहीं पाएगा। तो ये जो फेनोमेना है, यही हमारा पोलराइजेशन है, और ये जो मटेरियल ये फेनोमेना बताएगा, हम उसको कहते हैं पोलराइजर। क्या बोलते हैं उसको, पोलराइजर। ठीक है, यानी पोलराइजर का मतलब क्या है, कोई ऐसा कोई ऐसा मटेरियल जो लाइट वेव्स है, ठीक है, लाइट वेव में जो इलेक्ट्रिक वेक्टर्स है उनमें से पर्टिकुलर डायरेक्शन वाले ही क्या करता है, पास करता है, और बाकी अदर डायरेक्शन वाले जो इलेक्ट्रिक वेक्टर्स है ऐसे लाइट को वो ब्लॉक कर देता है, दैट इज़ अवर पोलराइजर। ठीक है, एंड दिस फेनोमेना इज नथिंग बट पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है, ये ध्यान में रखो। अब मान लीजिए कि एखादा, मान लीजिए मैं वही पोलराइजर है जिसका मैं पोलराइड बना दूँ, तो पोलराइड का मतलब क्या होता, पोलराइड है ना, जो ऐसे ही पोलराइजर से बना हुआ सिंथेटिक प्लास्टिक की जो, मालूम है ना आपको, जैसे एखादा मान लीजिए ये बुक है, मान लो ये बुक के ऊपर में हल्की सी क्या होती है, परत होती है किसकी, पॉलीथीन की, इतनी पतली होती है कि एकदम मैंने फूक भी मारेंगे तो भी क्या हो जाएगा, उड़ने लगती है इतनी, लेकिन क्लियर दिख रहे, ऐसे ही प्लास्टिक की सिंथेटिक मटेरियल वाली शीट, उसको क्या कहते हैं, हम पोलराइड कहते हैं, जो ये फेनोमेना बता सके। ठीक है, या फिर सिंपली आप वो मटेरियल को तो पोलराइजर कह ही चुके हो, पोलराइड यानी सिंपल क्या है, प्लास्टिक शीट विद सिंथेटिक मटेरियल। ठीक है, विच इज़ यूज फॉर द पोलराइजेशन। ठीक है, या फिर विच इज़ यूज एज द पोलराइजर, पोलराइजर के जैसे काम करती है, या फिर पोलराइजेशन बताने के लिए काम में आते हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि अगर मैं एकादा क्रिस्टल ले लेता हूँ, पोलर
पोलराइजर का, ठीक है। अब पोलराइजर का किस क्रिस्टल यानी जो लाइट का क्या कर सके, पोलराइजेशन कर सके, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसमें इस तरह से क्या है, इस तरह से जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल की अरेंजमेंट है कि इस तरह से वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मान लीजिए कि इस तरह से वर्टिकल गैप्स नज़र आ रही है आपको, यहाँ पर इस तरह से मान लीजिए वर्टिकल गैप्स है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर, इधर में हम क्या करते, ऑर्डिनरी लाइट रखते हैं। मान लीजिए कि ये क्या है, हमारा ऑर्डिनरी लाइट है, ठीक है। अब आप देखते बराबर ही बताओ कि जब वो ऑर्डिनरी लाइट ऐसे यहाँ से क्या होगा, पास होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अब बताओ वाला इसमें से, ठीक है, एक अदा कोई क्रिस्टल ले लो, जैसे टर्मेलिन क्रिस्टल वगैरह आप ले सकते हो पोलराइजर कह के, ठीक है। सो मान लीजिए कि ये क्रिस्टल है, अब इसमें से जब क्या होगा, लाइट जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप देखो वर्टिकल ऐसे क्या नज़र आ रहा है आपको, वर्टिकल गैप्स नज़र आ रहे, ठीक है। सो अगर ये लाइट है तो ऐसे जो हमारे पास ऐसे वर्टिकल, ऐसे जो वर्टिकल वाले वेक्टर से वही क्या होंगे, सामने पास होंगे। फिर ऐसे हॉरिजॉन्टल वाले इसमें से नहीं जाएंगे, ऐसे तिरछे वाले इसमें से नहीं जाएंगे, ऐसे तारछे वाले भी नहीं जाएंगे, इसमें से पास कौन से होंगे, सिर्फ वर्टिकल इलेक्ट्रिक वेक्टर्स ऑफ लाइट वही क्या होंगे, यहाँ पर ऐसे पास होंगे, ठीक है। यानी हर एक डायरेक्शन में, जो इधर में ये हमारा अनपोलराइज्ड लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है। और अब इसमें से क्या हो रहा है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन वाले ही क्या हो रहे, इलेक्ट्रिक वेक्टर सामने बढ़ रहे हैं, ठीक है, और बाकी के यहाँ पर क्या हो गए, ब्लॉक हो गए। तो ये जो लाइट मिला इसको हम नाम देते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसको क्या नाम देते हैं हम, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। यानी यहाँ पर ये जो टर्मेलिन क्रिस्टल हमने यूज़ किया है, ये जो पोलराइजर हमने यूज़ किया है, जिसके कारण उसकी यानी उसकी अरेंजमेंट है, उसके जो क्रिस्टल है, क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट ही इस तरह से होती है कि उसमें से सिर्फ पर्टिकुलर एक प्लेन में बोलो या फिर एक डायरेक्शन में जो वेक्टर्स होंगे, इलेक्ट्रिक वेक्टर्स ऑफ लाइट, वही पास होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिर्फ इस तरह के ही आपको मिल रहे हैं, यानी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वाले, स्लैंट वाले, ऑब्लिकली आने वाले कुछ भी नहीं मिल रहे। तो ये लाइट को हम क्या कहेंगे, प्लेन पोलराइज लाइट कहेंगे, ठीक है। और ये जो है हमारा ये स्टार्टिंग में वो हमारा अनपोलराइज्ड यानी ऑर्डिनरी लाइट है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें से कुछ इलेक्ट्रिक वेक्टर्स ब्लॉक हो गए और कुछ ही सामने गए। तो अगर मैं बात करता हूं इंटेंसिटी की, तो यहां पे इंटेंसिटी क्या होगी, लेस इंटेंसिटी होंगे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होंगी, लेस एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रिक वेक्टर्स है, जैसे एग्जांपल दिया था हमने लास्ट टाइम में, यहाँ पे 100 इलेक्ट्रिक वेक्टर्स है और यहाँ पे 10% यानी 10 ही इलेक्ट्रिक वेक्टर गए, तो 100 की इंटेंसिटी और 10 की इंटेंसिटी आप मैच कर लो, दिस इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल बी लेस दैन द इंटेंसिटी ऑफ ऑर्डिनरी लाइट, ठीक है। अब दूसरी बात क्या करता हूँ कि अगर मान लीजिए कि मैं थोड़ा सा सामने में एक और पोलराइजर रख देता हूँ, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने उस पोलराइजर को किस तरह से रखा है, इस तरह से, ठीक है, कि जो यहाँ पर वर्टिकल है, यानी इसका एक चीज़ यहाँ पे देख लो, तो ये जो हमारे पास में क्या है, ये जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक वेक्टर्स पास हो रहे हैं उस डायरेक्शन को, ठीक है, हम क्या कहते हैं, पोलराइजिंग एक्सिस कहते हैं, पोलराइजिंग एक्सिस, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे हम, या तो डायरेक्शन ऑफ पोलराइजर, ठीक है, इन विच द इलेक्ट्रिक वेक्टर्स, पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक वेक्टर्स कैन पास, दैट इज अवर पोलराइजिंग एंगल, पोलराइजिंग एक्सिस। तो ये क्रिस्टल देखो C1 है, अब C2 का जो पोलराइजिंग एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब यहाँ पर अगर हॉरिजॉन्टल वाले अगर आते तो वही पास होते। अब ये तो हमारे आ चुके वर्टिकल वाले, तो ये भी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। यानी यहाँ पर अगर आप सामने देखेंगे तो आपको मिलेगा नो लाइट, यानी एक्चुअली आपका पोलराइजेशन हुआ कि नहीं हुआ वो भी आपका चेक करना हो गया। देखें, देखो इसने पोलराइजेशन किया तो ये हमारा हो गया पोलराइजर, पोलराइजर, ठीक है। और यहाँ उसने चेक किया कि सचमुच पोलराइजेशन होता कि नहीं होता, क्योंकि इधर में आपको कुछ लाइट नहीं नज़र आ रहा, इसका मतलब कुछ इलेक्ट्रिक वेक्टर्स यहाँ ब्लॉक हो गए, कुछ इलेक्ट्रिक वेक्टर्स यानी कम्प्लीटली इसने ब्लॉक कर दिए, मतलब पोलराइजेशन हुआ यानी इसने एनालाइज किया, इसलिए इसको हम नाम देते हैं एनालाइजर,
ठीक है, इसको नाम क्या देंगे हम, एनालाइजर। ठीक है, यानी है दोनों के दोनों क्या, पोलराइजर ही है, लेकिन एक यूज़ कर रहे खुद पोलराइजर जैसा जो पोलराइजेशन बता रहा है, और दूसरा यूज़ किया जा रहा है एनालाइजर जैसा, ठीक है, ताकि हमारा पोलराइजेशन होता कि नहीं होता वो चेक हो जाए। ठीक है, तो ये जो फेनोमेना है जिसमें क्या हो रहा है कि पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक वेक्टर्स ऑफ लाइट आर गेटिंग पास थ्रू दिस मीडियम, दिस इज कॉल्ड एज द पोलराइजेशन ऑफ लाइट। उसको क्या कहते हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है, द डायरेक्शन, ठीक है, क्या बोलेंगे, द डायरेक्शन इन विच, ठीक है, द डायरेक्शन इन विच द इलेक्ट्रिक वेक्टर्स कैन पास, इट इज कॉल्ड एज पोलराइजिंग एक्सिस, ये ध्यान में रखो। फिर उसके बाद में देखो, जैसे कि अगर मैं बात करो तो ये यहाँ पे ये जो प्लेन है, इस प्लेन में क्या हुए कि ऐसे इलेक्ट्रिक वेक्टर्स आए हुए, तो ये जो प्लेन है, मैं नाम दे देता हूँ इसको ए बी सी डी समझो। ठीक है, तो ये जो ए बी सी डी है, प्लेन ए बी सी डी, तो इस प्लेन ए बी सी डी को हम कहते प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। क्या नाम देते इसको हम, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। अब बोलेंगे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्यों, ठीक है, क्योंकि ये जो है हमारे इलेक्ट्रिक वेक्टर्स है, इलेक्ट्रिक वेक्टर्स जिस प्लेन में है उसी को हम नाम देते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, और एक दूसरा होता है इसी को, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को जो परपेंडिकुलर होता है उसको बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, ठीक है, यानी क्या बोलेंगे उसको, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, कि क्या रहेगा, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, यानी अगर प्लेन ऑफ पोलराइजेशन डिफाइन करना है तो क्या करेंगे, द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड एज प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। जैसे एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि प्लेन ऑफ, देखो ये हमारे पास ऐसे खड़े में क्या है, जो ए बी सी डी, ये इस तरह से, तो ये प्लेन को हम क्या कहेंगे, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। और अगर ये ऐसा हॉरिजॉन्टल प्लेन अगर मैंने ले लिया तो आप इसको क्या कहेंगे, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। जिसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर्स है वो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, और उसको परपेंडिकुलर जो प्लेन है उसको क्या कहेंगे हम, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, तो ये प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखनी है। अब मटेरियल भले ही वही है, लेकिन एक को हमने इस्तेमाल किया पोलराइजर करके, एक को इस्तेमाल किया एनालाइजर। एनालाइजर का मतलब होता है चेक करना, एक तरह से चेकर बोल सकते हैं कि सचमुच वहाँ पे पोलराइजेशन हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरह से देखो, सबसे पहले ऑर्डिनरी लाइट है, सभी वेक्टर्स प्रेजेंट है उसमें से पास किए, इसका जो पोलराइजिंग एक्सिस है जो वर्टिकल है, इसलिए वर्टिकल जो इलेक्ट्रिक वेक्टर्स है वही पास हुए। उसके बाद दूसरा जो हमने रखा वो पोलराइजर हमने हॉरिजॉन्टल रखा, उसका जो पोलराइजिंग एक्सिस है हॉरिजॉन्टल है, इसलिए हॉरिजॉन्टल होते तो इसमें से आगे क्या हो सकते, पास हो सकते, लेकिन नहीं हुए, वो पूरे के पूरे ब्लॉक हो गए, इधर में लाइट नहीं मिला, नो इंटेंसिटी नो लाइट, यहाँ पे लेस इंटेंसिटी मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पे इंटेंसिटी क्या मिलेंगी, लेस, इधर में नो इंटेंसिटी, यहाँ पे इंटेंसिटी रहेंगी नहीं। ठीक है, यानी लाइटेज नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे एक तरह से इसने चेक किया, इसने पोलराइजेशन किया, इसने चेक किया, इसको एनालाइजर बोलेंगे, इसको पोलराइजर। ठीक है, ये हमारा ऑर्डिनरी लाइट। ठीक है, ये ऑर्डिनरी लाइट इस तरह से भी बता सकते हो, ये हमारा प्लेन पोलराइज लाइट, आपको ध्यान में रखना है पोलराइजिंग एक्सिस, उसके बाद पोलराइजर, एनालाइजर क्या होता है, ऑर्डिनरी लाइट। ठीक है, फिर प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या है। ठीक है, ये प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन यानी द प्लेन कंटेनिंग द इलेक्ट्रिक वेक्टर्स ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। देखो, ये प्लेन पोलराइज लाइट के इलेक्ट्रिक वेक्टर्स जिसमें आएंगे वो, ठीक है, और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, इट इज कॉल्ड एज प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। रहेगा ध्यान में, तो ये सब थोड़ी कंसेप्ट है हमारी पोलराइजेशन ऑफ लाइट में। ठीक, अब बच्चों हमने यहाँ पर क्या किया, पोलराइजेशन के लिए कोई मटेरियल यूज़ किया जिसको हमने पोलराइजर कहा। ठीक है, या फिर कोई ऐसा मटेरियल जो पोलराइड होगा, जो कि एक प्लास्टिक की सिंथेटिक मटेरियल वाले शीट होंगे। ठीक है, वो, लेकिन हमारे पास और भी तरीका है हमको अगर पोलराइजेशन चाहिए तो। ठीक है, तो वहाँ पर एक मेथड हमारे पास है। ठीक है, तो वो है पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय रिफ्लेक्शन। ठीक है, गिवन बाय या फिर प्रपोज बाय बोल सकते हैं आप, ब्रूस्टर। ठीक है, यहाँ पे किसने प्रपोज किया था उसको, ब्रूस्टर ने। ठीक है, तो ये हम देखेंगे।
ठीक, यानी पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, जिसमें आपको ब्रूस्टर्स लॉ भी मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा हम देखते हैं यहाँ पे मटेरियल यूज़ करके, यहाँ पे भी हम क्या करने वाले, मटेरियल यूज़ करेंगे लेकिन सिंपल ट्रांसपेरेंट मटेरियल यूज़ करेंगे, ठीक है, जिसपे हम पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन के फिनोमेना से देखेंगे उसको। ठीक है बच्चों, सो आज के लिए बस इतना ही। इसके जो नोट्स है ये भी मैं आपको सेंड करने वाला हूँ। कल के इसमें हल्का सा टॉपिक लिया था, आज इसमें आपको थोड़ा आगे का टॉपिक भी है, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें हैं, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, अनपोलराइज लाइट, पोलराइजिंग एक्सेस, एनालाइजर, पोलराइजर, ठीक है, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, ये जो चीज़ें हैं, पोलराइड, ये जो चीज़ें हैं, इसके नोट्स वोट भी मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, बस एक काम किया करो, जैसे हम पढ़ाते कोई भी, मैं रहूँ कोई और टीचर रहे, ठीक है, उसके पहले आप क्या करो कि वही टॉपिक हमारे किताब से, किताब में रहते हैं, टेक्स्ट बुक में रहते हैं, तो वहाँ से थोड़ा पढ़ने की कोशिश किया करो, ताकि आपकी आइडियाज़ बहुत ही जल्दी खुद होके, ठीक है, क्या हो सके, क्लियर हो सके, और हम लोगों के बताने के बाद में तो और ज़्यादा क्लियर हो जाती है। ठीक बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन, बाय।